हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो मैं हूँ कपिल ओझा और आज जो बारात वगैरह आने वाली है हमारे कॉलोनी के अंदर जो शादी है वहाँ पर, तो अभी शाम को आएगी बारात और अभी आ चुका है मायरा। तो अभी जो नाश्ता और चाय पानी थी वो हो चुका है, तो अभी मायरे में बनने में भी है काफ़ी टाइम। तो मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स अभी वेट कर रहे हैं। वेट जैसे ही सभी मायरा स्टार्ट होगा, हम लोगों को जो भी यहाँ पर सभी को नाश्ता चाय पानी दिलाना है तो वो एक बार और दिलाएंगे। और अभी सभी लोग बैठे बैठे हम लोग रात को काफ़ी मस्ती की थी हम लोगों ने। मेरा फ्रेंड अभी पहुंचा है और अभी मेरे और भी फ्रेंड्स आने वाले हैं शादी के अंदर, तो देखते हैं कि अभी शाम को क्या सीन देने वाला है। तो कल तो काफ़ी मस्ती की थी हम लोगों ने, तो सबसे ज़्यादा मस्ती करने वाला मेरा ये फ्रेंड है, ये काफ़ी ज़ोर शोर से नाच रहा था। फाइनली गाइस, जो मायरा था उसका फंक्शन हो चुका है कंप्लीट। फिलहाल जा रहा हूँ जहाँ पर मेन टेंट लगा हुआ है वहाँ पर। गाइस अभी हम लोग बैठे हैं जो मेन ग्राउंड है जहाँ पर शाम का फंक्शन होगा वहाँ पर। तो अभी सभी फ्रेंड बैठकर डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी थक चुके हैं काम कर करके। गाइस अभी हम लोग खाना खा रहे हैं सभी फ्रेंड बैठकर। गाइस अभी खाना पीना हो चुका है और मैं वापस जाना अपने वाले अपने घर पर। तो अभी यहाँ पर काफ़ी टाइम है बारात वगैरह आने को, तो अभी वापस मैं निकल चुका हूँ जो मेन टेंट है वहाँ से। और आज मेरे मायरे के अंदर कुछ ऐसी ड्रेसिंग सेंस रखी है तीनों रखा है और ये देने वाले हैं हमारे जो पावना उनको गाड़ी। फाइनली गाइस अभी मैं और बारात दोनों जाकर आए हैं मार्केट शाम के लिए कुछ शॉपिंग करके आए हैं। तो अभी वो शॉपिंग करने वाली चीज़ काफ़ी छोटी है तो वो मेरे जेब के अंदर है। तो अभी हम लोग सीधे जाएंगे बारात के जो मेडिकल शॉप है वहाँ पर, तो वहाँ से सीधे हम लोगों को निकलना है जहाँ पर बारात आने वाली है, जहाँ पर अलग से भवन किया हुआ है, तो वहीं पर जाएंगे। अभी तक बारात नहीं पहुँची है तो अभी पहले इनकी जो मेडिकल शॉप है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से सीधे गाड़ी लेकर जाएँगे भवन पर। तो वो काफ़ी दूर है जहाँ पर बारात को जहाँ पर उनको रुका जाएगा। तो अभी इन गलियों से काफ़ी बार निकला हूँ तो आप लोगों ने काफ़ी बार देखा भी होगा। तो यहाँ पर जस्ट पास में ही दरगाह है, तो ये दरगाह वाली मेन रोड है। गाइस मैं पहुँच चुका हूँ घर पर और अभी करते हैं चेंज कहेंगे भी। मैं हो चुका हूँ रेडी। हम लोग एंटर हो चुके हैं घर के अंदर। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं शादी वाले ग्राउंड में और अभी खाते हैं खाना। मेरे साथ में मेरे फ्रेंड लोग भी है तो सब साथ में खाएंगे कढ़ाई वाला दूध और साथ में जलेबी। फाइनली गाइस खाना पीना मस्त हो चुका है और सभी फ्रेंड सभी साथ में। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी छोटी छोटी जो लेटरिन काफ़ी जगह भी बनाई हुई है। मैं आया हुआ था अपने घर पर तो भी वापस जा रहा हूँ मैं शादी वाले घर पर और अभी काफ़ी कूल लग रहा हूँ स्टेज के अंदर। गाइस मैं पहुंच चुका हूं शादी वाले ग्राउंड में और अभी खाते हैं खाना। मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स लोग भी है तो सब साथ में खाएंगे। साथ में सभी फ्रेंड्स और हम लोग ले रहे हैं जो पाइनएप्पल है जूस उसके मज़े। अभी जो सामने शो हो रखा है जहाँ पर काफ़ी बड़ी एलईडी लगी है जिसके अंदर जो भी पहले की मेमोरीज है वो दिखा रहे हैं, तो उसके अंदर मेरी भी पिक्चर है। तो सभी मेरे को
खेल रहे हैं कि देख तेरी भी पिक्चर है ये, तूने जानबूझकर उसके अंदर एंटर किया है। तो मेरे को काफ़ी हंसी आ रही है इन लोगों की ये बात सुनकर, मेरी उसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मेरा फ्रेंड गजराज भी देख सकते हो आप, अभी दी की होने वाली एंट्री और वो जा रहे हैं अभी स्टेज के लिए। तो ढोल नगाड़े सारे स्टार्ट हो चुके हैं और सभी भाई नाच रहे हैं, तो मैं भी एंटर होऊंगा। लेकिन भाई सभी बोले राजे जा रहे हैं, हम लोगों को हमारी बात में आएगी। गाइस एक बार फिर से मैं अपने घर पर जाकर आ चुका हूँ और इस बार लेकर आया हूँ मैं गिफ्ट। तो मेरे साथ में कृष्णा भी है, तो अभी जाते हैं अंदर और देते हैं दी को। राजा तो आ चुके हैं, तो अभी सिस्टर का नंबर है भी आने में। तो फाइनली गाइस हमारी दी की हो चुकी है एंट्री और सभी भाई जोर शोर से नाचते हुए आ रहे हैं। तो अब है मेन स्टेज फंक्शन। हमारी दो दी की एंट्री हो चुकी है, तो अभी एक दी की और एंट्री बाकी है और काफ़ी अमेजिंग हुई है एंट्री। तो हमारे भाई अपना चेहरा देखते हुए मेरे कैमरे के अंदर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं आ चुका हूँ हमारी खाटू की गलियों के अंदर बुलेट को लेकर। तो अभी जो मेरा यहाँ का काम था वो हो चुका कंप्लीट। तो अभी मैं बाइक को लेकर जा रहा हूँ वापस शादी वाले घर पर। जो हमारे भैया आए हुए थे, तो उनकी गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी थी, तो उनको पहुँचाने के लिए आया था मैं बाइक लेकर। तो अभी इन गलियों से होते हुए निकलूँगा अपने घर पर, तो जहाँ पर हमारे कॉलोनी के अंदर शादी है, तो पहले वहीं पर जाएंगे। तो अभी निकलते हैं वापस बुलेट को लेकर। रात को की है राइड, बुलेट से काफ़ी मज़ा आ रहा है। लोग भाई लोग बैठ कर यहाँ पर काफ़ी पिक्चर्स और वीडियो वगैरह बना रहे हैं। तो अभी हमारे पीछे स्टेज जो फंक्शन हो रहा है और सभी लोग अभी चले गए हैं, तो अभी हम लोग ही बचे हैं। गाइस अभी सभी के जाने के बाद फिर से हम लोग ट्राई करने वाले हैं जो दही पपड़ी है वो।
तो पहले तो सही से खाना नहीं खा पाया था, मैं अपने फ्रेंड के साथ में था और काफ़ी काम भी थे मेरे को, तो इसी बीच तो अभी ट्राई करते हैं दही पपड़ी। तो अभी मेरे फ्रेंड लोग वो भी पीछे से आ रहे हैं और हम लोगों ने आज काफ़ी यूनिक यूनिक वीडियो और पिक्चर वगैरह ली है। आलू टिक्की और ट्राई करते हैं। तो अभी जो दही पपड़ी है वो तो आ चुकी है, काफ़ी यूनिक है खाने के अंदर, तो मैंने पहले तो ट्राई की नहीं थी। और अभी आलू टिक्की भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है टेस्ट। हमारी आलू टिक्की और चाउमीन दोनों हम भाई से बनवा रहे हैं, और तो भी हमारे भाई हम लोगों के लिए बना रहे हैं। आलू टिक्की हो चुकी है हमारी कंप्लीट और अभी आने वाली है चाउमीन, तो चाउमीन भी अभी रेडी हो चुकी है, तो अभी करते हैं ट्राई। ये आ चुका है हमारा डोसा, तो अभी जितने भी फास्ट फूड है तो अभी वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे ट्राई। तो हमारे साथ में हमारे बाबू भैया भी है, तो हम बाबू भैया, ये हमारे बाबू भैया, इनका सही नाम तो कुछ और है लेकिन हम लोग इन्हें बाबू भैया के नाम से ही बोलेंगे क्योंकि ये सबसे यूनिक नाम है। तो अभी एक तो बाबू भैया ये और एक बाबू भैया UK07 राइडर है। गाइस कंप्लीट फंक्शन हो चुका है ख़त्म और हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए, तो अभी सीधे घर पर जाएंगे और अभी सीधा सोएंगे और रात के बज चुके हैं पूरे 3, तो अब सीधे घर पर जाके सोएंगे और देखते हैं सुबह कितने बजे उठेंगे। तो अभी निकल चुके हैं हम सभी फ्रेंड लोग और सभी लोग चले गए, अभी लास्ट में हम लोग ही बचे हैं। तो अभी निकल चुके हैं घर से और काफ़ी थक चुके हैं हम लोग, तो ये घर पर जाकर चेंज करूँगा और फिर सोएंगे। मैं हो चुका हूँ रेडी, तो अभी चेंज कर लिए ड्रेस वगैरह सारी, तो अभी करते हैं सोने की तैयारी। अभी 3:30 से ऊपर हो गई है, चलिए मेरे को लगा था 3 ही बजे, तो अभी सोते हैं। सभी सो पे गए तो इसी बीच में काफ़ी धीरे बोल रहा हूँ।